हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो व्लॉग। तो आज हम आपके सामने वीडियो व्लॉग लेके आ चुके हैं। ये है मेरी बाइक अपाची 160 आरटीआर। तो गाइस, ये है मेरी बाइक अपाची 160 आरटीआर, जिसके आज हम इंडिकेटर इसके रिले लगवाएंगे, जो कि 16 टाइप से इंडिकेट करती है। ये जो इंडिकेटर है, ये कंपनी फिटेड तो नहीं आती, अब शायद नए में आती होंगे। जब मैं लेके आया था तो इसमें वो चीज़ नहीं आती, तो इसके लिए हम मॉक्सी मॉडिफिकेशन कंपनी की, ये लगभग 150-200 रुपए की आती है, ये हम लेके आए हैं। फ्लैशर, इसके साथ एक ये स्विच, जो आज हम इसके ऊपर लगवाएंगे, और इंडिकेटर इसके पार्किंग मोड वाला, जैसे गाड़ियों में पार्किंग मोड होती है वैसे ही फ्लैश करेगा, इंडिकेटर फ्लैश करेंगे चलते हुए, क्योंकि आजकल धुंध भी बहुत ज़्यादा है तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम लगवाने जा रहे हैं। साथ में मॉडिफाई भी हो जाएगा। तो ये हमारा रोड, ये हमारी गेहूँ, देख सकते हो दोपहर के लगभग 1 बज चुके हैं, अभी तक मौसम भी नहीं खुला, ऊपर आसमान में बादल ही बादल हैं, ठंडा मौसम है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंड में ही जा रहे हैं, कूलिंग मौसम है, कूल विंटर वाला। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं जस्सा ऑटो गैरेज, जो दरियापुर बस स्टैंड के ऊपर है। तो हमने काम स्टार्ट कर दिया है। देखो, ये लड़का अब खोल रहा है बाइक, और हम इसको यहाँ पर फ्लैशर लगवाएंगे। इससे बैठना, एलईडी लाइटा लगी है थल्ले, आवेगा पट्टी लगी हुई है, थोड़ा ध्यान ना खिंची, क्योंकि आप उन्हीं को खोल के ना फिर उन्नी को ही करांगे। आ पहले वाली आ तार आए देख, आ तार जोड़ी हुई है इंडिकेटर, बस इतना बहुत है, इतने पे ही रहते, इन चाहे कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कट ही ना। बस ज्यादा कटने की लोड़ ही कोई, आ गई एक चीज तर इंडिकेटर दी है, इन कट दे के चार कट्ठे किए हुए थी, आ देख चाबी किधर रह गई, आवे ए, पहले मैं ही मेरे पंगे ले हुए ने, तार मैं लाई हुई है इंदी, बटन गोनी सीधा ही है भाई, 4000 फिर पार्क जदों मोड़ आवे ना यार, दोंदे ते एक पता नहीं लगता, सवेर नाल दिक्कत होंदी है, उस करके फिर मैं कहा यार दूजा फ्लैशर ही लवा ली, आला फ्लैशर करके मैं हूं लेके आया। सो फाइनली गाइस, ये हम आपको दिखाएंगे फ्लैशर कैसे लगाते हैं। तो मैं मॉक्सी का फ्लैशर लेके आया हूँ, जो कि 200 रुपये का मेरे को बाज़ार से मिला है। तो हम आपको बताएंगे कैसे लगाया जाता है। तो इसमें जो येलो वायर है वो इंडिकेटर में लग जाएंगी, और रेड और ब्लैक अर्थ और लाइट में लग जाएंगी, जिससे आपका ये चलेगा। गाइस, आपने पहले भी वीडियो देखी होगी, बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं फ्लैशर के ऊपर, तो लोग आगे लगवाते हैं हैंडल पर, वाइजर आगे में, हेडलाइट के साथ आगे, तो हम लगवा रहे हैं पीछे इसकी बैक साइड। गाइस, हम बैक साइड इसको फिक्स करेंगे, इसका जो इंडिकेटर है वो आगे नीचे ही टंकी के नीचे लगाएंगे। इसको लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये घर पे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह इसको खोलना, छोटे छोटे पेच ये बहुत मुश्किल होते हैं, इसलिए इसको हमेशा मिस्त्री से ही लगवाएं, क्योंकि हम घर में जब लगवाते हैं तो हमारे पास सामान प्रॉपर नहीं होता, उससे ये हमारा कुछ ना कुछ टूट सकता है, स्पेयर पार्ट नुकसान हो सकता है, इसीलिए मिस्त्री से ही लगवाएं। तो हम लगा रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, हमने लगा दिया है वैसे, तो देख सकते हो इसको हम चेक कर रहे हैं बैटरी से डायरेक्ट एक बार, उसके बाद स्विच लगाएंगे।
फाइनली गाइस देख सकते हैं इसको हमने हेडलाइट के साथ लगा रखा है पीछे, तो आपको हम निकाल कर दिखाएंगे। इसको देख सकते हो ये मॉक्सी का है, ये हमने इसी के अंदर यहीं पे इस येलो वायर को फिट करके इसको सेट कर दिया है। इसी को यहीं पे ही फिक्स कर देंगे, इसी के अंदर पीछे ही ये वायर हमारी है जो आगे लेकर गए हैं इसको कनेक्ट करने के लिए, इसका स्विच लगाने के लिए। ये सस्ता सा प्रोडक्ट है, इससे अच्छे अच्छे भी आते हैं, महंगे आते हैं 1600-1700 के, तो हमने इसको इसके बीच में ही फिक्स कर दिया, देख सकते हो गाइस। तो ये हमने यहाँ से इसकी जो वायर है इसको अच्छी तरह निकाल फिक्स करके ही निकालेंगे। ये मोनू भाई साहब हैं जो पुराने यहाँ पर थे, तो ये अभी बुलेट बाइक की एजेंसी में चले गए हैं, तो वहाँ पर ये काम करते हैं। अब आज छुट्टी थी संडे की, तो यहाँ पर आए हैं, तो मैंने इसको बुलाया था कि यार आजा भाई करवा दे, मेरा अच्छा दोस्त है ये, तो मैं इससे करवा रहा था, हम साथ में मिलकर कर रहे हैं। तो हम इसको देख सकते हो गाइस, ये मेरी पहले भी लाइट लगी हुई है नीचे बाइक के। चेंज कर, फाइनली गाइस देख सकते हो हमने इसको फिट कर दिया है। तो इसको जितनी बार इसको अलग अलग टाइप से चेंज करते रहेंगे, वैसे वैसे अलग अलग ये इंडिकेट करता रहेगा, अलग अलग प्रकार के फ्लैश करते रहेंगे इसके इंडिकेटर, 16 टाइप के अलग अलग रिफ्लेक्टर दिखाता है ये। रेड वाली भी ब्लिंक करने लग गई, रेड वाली भी ब्लिंक करने लग गई, कर दे टाइट है। वो तो क्यों दो नालों नहीं, हाँ मिट्टी जम जाए भाई, चल यार मट्टिया में चल जमे कोई। फाइनली गाइस, तो हमारा ये प्रोजेक्टर लग चुका है फ्लेक्सर, देख सकते हो ये इंडिकेटर ब्लिंक करने लग जाए, जैसे KTM बाइक वगैरह करती है वैसे ब्लिंक करने लग गए हैं। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जितनी बार करोगे उतनी बार अलग दिखेगा। देख सकते हो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना।